क्या बात है माशाल्लाह, ये चीज क्या, वाह 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 वाह। एक कुछ खा लिया, खाओ, रहा नहीं जा रहा है। एक कुछ खाया, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट, ओहो गरम गरम धुआं निकलता हुआ, ओहो ऐसा फ्राई कढ़ाई के सामने एक तेल में निकलता, कितना खाने मन होता है ना। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज मेथी और कीमा। आप मेथी कीमे की रेसिपी, कीमा डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह कीमा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब बारी आती है मेथी की भाजी डालने की। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर ली हूँ। ये डाल दूंगी मैं अभी कीमे में। स्पेशल थाली, स्पेशल संडे स्पेशल थाली। आप सही बात है, सेवन खाएंगे मेथी कीमा नहीं, अच्छा पापड़ खाएगा। एक नंबर माशाल्लाह, ऐसा बनाओ अपनी पूरी फैमिली को खिलाओ, तब तो मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए नाश्ते में क्या बन रहा है। नाश्ते में बना रही हूँ आज बटाटा वड़ा। हाँ, क्योंकि आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, घर में है सब, तो इसलिए बच्चों के लिए कुछ स्पेशल नाश्ता बनाना था, तो आज बटाटा वड़ा बना रही हूँ। चलो फिर ये देखो, यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो गया और मैं जल्दी से वड़े तल लेती हूँ। आज छुट्टी है ना, तो बच्चे भी सब लेट उठे सोकर। मैं उठ गई थी जल्दी, मेरे को तो काम रहता है डेली का, उन लोग लेट उठे तो अभी उन लोग को भूख लग रही, तो जल्दी से मैं बटाटा वड़ा बना देती हूँ। क्या बात है, तो आज हमारे घर में बन रहा है संडे स्पेशल वड़ा पाव। हाँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मन चल रहा है जल्दी, जितना जल्दी बने उतना जल्दी खा लूँ। ये देखिए वड़ा बटाटा वड़ा बनना जब रेडी हो गया है, एक बेस डाल चुकी है बन गया ना। ठीक है, क्या बात है माशाल्लाह, ये क्या, वाह 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 वाह। एक कुछ खा लू यार, रहा नहीं जा रहा है। एक कुछ खाया, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट, ओहो गरम गरम धुआं निकलता हुआ, ओहो ऐसा फ्राई कढ़ाई के सामने एक तेल में निकलता, कितना खाने मन होता है ना। और ये सिर्फ मेरे हाथ का ही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते। एक नंबर। अरे मुंबई में हर किसी को वड़ा पाव पसंद है, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव। सही बात है, आधी मुंबई वड़ा पाव खाने का हम चला दिए। जब किसको भूख लगी रास्ते पे तो वड़ा पाव दिख गया तो खा लेते, भूख मिट जाएगी। और जिसका मन खाने नहीं है, अगर गरम गरम बनता रहेगा ना, चलो मैं खा लेता हूँ। एक भी खुशबू से, हाँ खुशबू आती है ना, तो खाने का मन हो जाता। एक्चुअली क्या है ना, उनको जल्दी जाने के बाद तो इसलिए वो जल्दी रेडी हो गए। पहले उनको नाश्ता दे देती, वो जाएंगे, उसके बाद मैं दिन भर का आगे का आप लोगों को रोटी खाते रहूँगी। चलो बैठ गए हम लोग नाश्ता करने। आज बहुत जल्दी है इनको जाने की, मैं सोची जल्दी से इनको पहला नाश्ता दे दूँ, बच्चे अपना मुंह धो के फिर आएंगे। ऐसा टमाटर सॉस डाल के जो वड़ा पाव का टेस्ट दुगना हो जाता है। दरअसल ना आफरीन जो वड़ा पाव बनाती है ना बड़ा, इसके अंदर जो मसाले डालती है माशाल्लाह, आप ऐसे ही खा जाओगे पाव भी बिना पाओगे, दो चार ऐसे ही खा जाएंगे, इतने अच्छे मसाले डालती है, वो खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है ना, ओ हो बोल रहा हूँ मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो आप लोग बनाए खाओ, तो फिलहाल तो मैं खाता हूँ, आप लोग भी ऐसा बनाए खाओ। क्या होता है अभी अभी गाय गाय मैं हरी चटनी नहीं बनाई हूँ, इसलिए केचप के साथ ही खा रहे। चलो फिर खा लेते, खा के मिलते। तो माशाल्लाह काम तो सब हो गया मेरा। काम होने के बाद अभी मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। जैसा कि सुबह मेरे शौहर चले गए नाश्ता करके, उसके बाद मेरा घर का जो काम था वो मैं कर रही थी, अभी काम भी हो गया ख़त्म, आ गई हूँ किचन में। मेरा यहाँ खाना रेडी हो चुका है, दाल चावल। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज मेथी और कीमा। हाँ, मेथी कीमे की रेसिपी जो बनाने जा रही, तो सोची आप लोगों को इसकी रेसिपी बता दूँ। तो ये देखिए मेथी कीमा बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम कीमा ली हूँ और एक गड्ढी मेथी ली हूँ। अब मैं एक कांदा काट रही हूँ, कांदा काट के फिर मैं आप लोगों को आगे का बताती हूँ। चलिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई में डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। तेल गरम होने देंगे, तेल गरम हो चुका है, तेल में डालेंगे हम एक प्याज इस तरह से रफली चॉप की हुई,
बहुत जल्दी से और आसानी से बनने वाला मेथी कीमा है। देखिए आप लोग, मैं किस तरह से अभी बनाना आप लोगों को बताती हूँ। बहुत जल्दी बन जाता है कम समय में। चलिए अभी थोड़ा इसको हम गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। ज़रा हल्की नरम हो जाए प्याज, वहाँ तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज हमारी हल्की गुलाबी कलर की हो चुकी है। चलिए अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें एक चम्मच में पेस्ट डाल रही हूँ। इसको ज़रा एक सेकंड तक भून लेंगे, ज़रा अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक। पर अदरक लहसुन डालकर भी मैंने भून ली। अब इसमें जाएगा कीमा। देखिए मैंने अच्छी तरह से धो ली, ये कीमा भी डाल देंगे। कीमा डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। पाँच मिनट तक हम कीमे को अच्छी तरह से अदरक लहसुन और प्याज में भून लेंगे, ताकि जो कीमे का जो कच्चापन है, कच्ची स्मेल जो आती है, सब निकल जाए। तो पाँच मिनट तक मैंने अच्छी तरह से कीमे को भून ली हूँ। कीमे का सारा जो कच्चापन है ख़त्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने लियो एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। सारे सूखे मसाले भी डाल देंगे। मसाले डाल कर भी इसको मिक्स कर लेंगे कीमे में। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है ये, टाइम नहीं लगता है। हमारे खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि इसमें मेथी डालते हैं ना। अब मेथी डालेंगे तो बहुत अच्छी लगती है वो डिश। अब इसमें जाएगा एक टमाटर, इस तरह से रफली चॉप किया हुआ टमाटर डालकर भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टमाटर मैश होने तक एक पाँच मिनट पका लेंगे इसको लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर पाँच मिनट तक मैंने और कीमे को भून ली हूँ टमाटर डाल के, और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम दही। ये मेरा घर का फ्रेश बनाया हुआ दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा दही है। ये मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम। दही डालने से टेस्ट और अच्छा आता है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। चिकन हो या मटन, दही डालने से उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। इसको दही डाल के भी मिक्स कर लेंगे। अब कीमे में जाएगा आधा चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर। डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। गरम मसाला डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कीमा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है सारे मसाले डालकर। अब इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास पानी। पानी डालकर हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, क्योंकि हमारा मटन का कीमा है तो इसको पकने थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको एक 10-12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हाफ ग्लास पानी डाल के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये पक जाए उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे कीमे को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके। बीच में एक दो बार मैंने चम्मच से भी चलाई थी, और देखिए माशाल्लाह कीमा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब बारी आती है मेथी की भाजी डालने की। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर ली हूँ। ये डाल दूंगी मैं अभी कीमे में। अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि मट्टी वगैरह रहती है ना, तो छलनी में डाल के अच्छे से धो लेंगे। अब इसको मिक्स कर देती हूँ। बस अभी मेथी की भाजी डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है, क्योंकि मेथी की भाजी तो बहुत जल्दी गल जाती है। एक पाँच मिनट तक मैं मेथी डालकर कीमे में इसको पका लूँगी। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी और एक पाँच मिनट तक पकने दूँगी। मेथी की भाजी तो बस भाप में ही गल जाती है। पाँच मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ हाई फ्लेम पर ही मैं मेथी की भाजी डाल के पाँच मिनट इसको पका ली हूँ। चलिए अभी देखते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से भाजी भी पक गई है, और देख सकते हैं लुक कितना अच्छा आया है। जितना दिखने में अच्छा है, खाने में उतना ही टेस्टी है।
चलो अभी अभी इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, अभी गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे करते हैं डिश आउट। और मेरे शौहर अभी आएंगे, उसके बाद हम लोग सब मिलके खाना खाएंगे। सुबह नाश्ता करने के बाद जो गए तो अभी तक आए नहीं है, ज़रूरी काम से गए थे, अभी आते ही होंगे तो फिर हम लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अब भाजी को करते हैं हम डिश आउट। ये है माशाल्लाह मेथी की माँ हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बहुत ही झटपट से बनने वाली मेथी कीमा बनके रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग लुक कितना अच्छा आया है, जितना दिखने में अच्छा है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो ये रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी अपने घरों में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, खाने में तो बहुत मज़ा आता है। फिर अभी चलिए मेरे शौहर आएंगे, उसके बाद हम लोग सब खाते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो माशाल्लाह अभी मेरे शौहर भी आ गए, देखो सुबह से गए थे तो अभी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से भाग दौड़ कर रहा था क्यों, जो भी इतना काम था प्रेशर था ना कि वो काम माशाल्लाह पटा दिया पूरा, क्योंकि रमज़ान भी करीब आ रहा है। अभी हमको माल लेना दो महीना पहले ही बुकिंग करना पड़ता है, क्यों माल सब चाइना से आता है ना, तो पहले बुकिंग करना पड़ता, सब ऑर्डर देके फिर मंगाना पड़ता है। तो इतना सिंपली पास करना था, सब हो गया माशाल्लाह, रमज़ान की तैयारी माल की हो गया, अभी जस्ट पहुँचा हूँ और अलहमदिल्ला रेसिपी भी बन गई है और बहुत सही टाइम पर आया हूँ, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। अरे खाते हैं और आपको दिखा दे टेस्ट कैसा है। क्या बोलते सुबह गए थे बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता करके चले गए थे, वो लेट हो रहा था तो अभी भूख तो लगेगी, चलो अभी जल्दी से दस्तरखान बिछाती हूँ और खाना लगा देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए अभी हम लोग खाना खाने के लिए, हमारा दस्तरखान देखो सज चुका है माशाल्लाह। आज मैं काम बहुत था ना तो रोटी नहीं बनाई, दाल चावल और मेथी की भाजी, मेथी कीमा, अचार पापड़ और साथ में लिज्जत पापड़ और हमारा अचार आम का अचार, डबल कॉम्बिनेशन है खाने में, डबल टेस्ट आने वाला है। क्या बोलते हैं मेथी कीमे के साथ और ये दाल भी एक नंबर बनेगा फिर माशाल्लाह। ये देखिए क्या जबरदस्त दाल बन गई, ओहो आपने की दाल भी ना एकदम कड़क एकदम लाजवाब दाल बनाती है। इसकी रेसिपी तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को किस तरह से दाल बनाती हूँ, बहुत मस्त दाल। डेली हमारे घर में दाल तो चाहिए ही, मेरे बच्चों को दाल लगती है और डेली मेरे घर में दाल बनती है। तो अभी हम लोग बैठ रहे खाना खाने के लिए, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाने, आइए खाना खाने आइए। ये देखिए माशाल्लाह दाल चावल और कीमा, मेथी कीमा, मेथी कीमा, ये हमारी थाली हो गई रेडी। स्पेशल थाली, स्पेशल संडे स्पेशल थाली आप। सही बात है, सही बात है। तुम खाएंगे मेथी कीमा? नहीं, अच्छा पापड़ खाएगा। एक नंबर माशाल्लाह, ऐसा बनाओ अपनी पूरी फैमिली को खिलाओ, क्या फिर तब मजा आएगा। साथ में अचार भी जरूरी है, आम का अचार। चलो फिर खा के मिलते हैं आप लोगों से। माशाल्लाह खाना हो गया मेरा, बहुत मजा आया खाना खाने में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहा हूँ मैं दुकान पे, कस्टमर का फोन आ रहा है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूंगा नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। क्या बोलते अच्छा लगा सब मिलके साथ में खाना खाए, ये आते हैं ना घर पे तो अच्छा लगता है। दोपहर में तो काम रहेगा तो बोलते हैं कि टिफिन भेज दे, ज्यादा बिजी रहूंगा तो बोलता हूँ बच्चों से भेज दे, कभी फुर्सत रही तो आ जाता हूँ। साथ में खाने का मजा ही कुछ और रहता है, सब मिलके खाते अच्छा लगता है ना। जितना हो सके ना सब मिलके खाना खाएगा कि दस्तरखान पे तो बहुत अल्लाह ताला उससे बरकत भी देता है कि ना। आज से मेरे बच्चे भी घर में ही थे, सब घर में थे, सब मिलके साथ में खाए, बहुत मजा आया। खाना खाने के बाद अभी मुझे सुस्ती आ रही है, मुझे भी सुस्ती आ रही है, वो तो खाना के बाद सुस्ती आती है। अभी दस मिनट बैठा रहा तो सुस्ती आ रही है, फोन आ गया कस्टमर का, मैं निकलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं, फिर मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ, बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। चलो ठीक है, बाय। तो अभी आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर रही थी, अभी उठी हूँ तो देखो आई हूँ, क्योंकि अभी याद आया मुझे कि सुबह से मैंने डोसे की चावल भिगा के रखी थी, अभी उसको पीसना है। ये देखिए मेरे डोसे के चावल, सुबह नाश्ते के टाइम से मैं भिगा के रख दी थी, अच्छी तरह से फूल गए। चलो अभी इसको मैं मशीन में डाल के पीस लेती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरे को डोसे बनाने का नाश्ते में। तो आ गई अभी मैं मशीन में डाल के
चावल पीसने के लिए। इसमें पीसे हुए चावल है ना, बहुत अच्छे डोसे बनते हैं या इडली बनती है, क्योंकि ये पत्थर से पिसा हुआ रहता है ना, देखो ये पत्थर है, इसी से पीसता है चावल, और मशीन का पिसा हुआ है इस तरह से पत्थर का, बहुत अच्छा डोसे और इडली बनती है। और आप लोग पूछ रहे थे मैंने ये कहाँ से ली हूँ मशीन, तो ये मैंने डोसे का आटा पीसने की मशीन मैंने गोरेगांव से ली थी, संतोष नगर से, और ये पिजन कंपनी का है, देखो पिजन कंपनी, क्योंकि यहाँ पे कुरला में मैंने बहुत दुकानों में पूछी, मुझे यह नहीं मिली, तो फिर मैं गोरेगांव गई थी जब वहाँ से खरीदी, और ये मशीन मुझे 4,500 में मिली थी, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग मुझे पूछे थे मेरे व्यूअर्स के आपा कहाँ से लिए थे मशीन, इसलिए मैं आप लोगों को बता दी कि मैंने वहाँ से ली थी। जब मैं मुझे ये लेकर भी 3 साल हो गए, हाँ 3 साल हो गए मुझे, 3 साल पहले मुझे 4,500 में मिली थी, तो अब पता नहीं अब इसका रेट बढ़ गया होगा। तो ये देखिए चावल मैंने डाल दी इसके अंदर, अभी पीसते हैं, देखिए इस तरह से ये पीसता है, देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने 1 किलो चावल डाल के पीसी हूँ, इसमें हम कम से कम 2 किलो चावल पीस सकते हैं, चावल पीस सकते, दाल पीस सकते, हर चीज़ पीस सकते इसमें, बहुत आसानी से बारीक पीसे जाता है एकदम, मैंने आप लोगों को तो पहले भी बता चुकी हूँ। चलो अब ये पीसता है, उसके बाद मैं बताती हूँ, ये देखो मैंने पीस दी हूँ डोसे का बैटर, देख सकते हैं आप कितना स्मूथ बनता है। तो अभी इसको मैं पूरा पोंछ के निकालती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो माशाल्लाह डोसे का बैटर जो है वो मैंने पीस डाली, अभी सब काम हो गए, अभी जाके बैठी हूँ। ये डोसे का बैटर पीसे हैं, बहुत बर्तन निकलते, यानी पीसना रहता है, सब करना रहता है ना, इसलिए वो सब काम कर दी, धोधा के अभी बैठी हूँ, और खाना तो बनाना नहीं है, खाना भी बन गया है मेरा, और सुबह से जो उठी थी जब से काम ही काम कर रही थी, आराम ही नहीं करी हूँ, तो सोची चलो अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है मेरा, तो नमाज के पहले मैं वीडियो को अभी एंड कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा दिन भर का रूटीन और मेरी रेसिपी मेथी की मैगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो ये वीडियो को एंड करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप मेरे सर पर, चलो अल्लाह हाफिज़।